नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए ज्ञान से भरी एक कहानी लेकर आया हूँ। एक बार गौतम बुद्ध प्रवचन देने के लिए एक स्थान पर रुके। लोग उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछ रहे थे और बुद्ध उनके उत्तर दे रहे थे। वहीं पर एक व्यक्ति चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर पीड़ा के भाव साफ दिखाई पड़ रहे थे। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, भाई क्या दुख है आपको? उस व्यक्ति ने अत्यंत संक्षिप्त सा उत्तर दिया, पता नहीं। बुद्ध ने कहा, देखो भाई, पहले अपने दुख को जानो, उसके मूल में जाकर उसको देखो और फिर उसका उपचार करो। उस व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, वह कैसे? गौतम बुद्ध ने कहा कि पास के जंगल में जाओ और वहां से कुछ पौधे उखाड़ कर ले आओ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि पौधे ऐसे हो जिनकी दो चार पत्तियां ही आई हो, और सब पौधे अलग अलग तरह के होने चाहिए। वह व्यक्ति जंगल में गया और बुद्ध के निर्देशानुसार कुछ पौधे उखाड़ लाया। महात्मा बुद्ध ने उसके हाथ से एक पौधा लिया और उसे दिखाते हुए पूछा कि यह कौन सा पौधा है? व्यक्ति ने कहा कि यह तो बहुत छोटा सा पौधा है, इसकी पत्तियां भी बहुत छोटी छोटी हैं, इसलिए अभी मेरे लिए यह बता पाना कि यह कौन सा पौधा है बहुत मुश्किल है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि इस पौधे की जड़ों को डोट, ध्यानपूर्वक देखो और बताओ कि वहां क्या है। उस व्यक्ति ने जड़ों को ध्यानपूर्वक देखा और बताया कि इसकी जड़ों में पौधे के बीज का आवरण अटका हुआ है। इससे पता चलता है कि इसे नीम का पौधा होना चाहिए। अब बुद्ध ने उससे दूसरे पौधों के बारे में पूछा तो उसने जड़ों को देखकर सभी पौधों के सही नाम बता दिए। बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा कि जिस प्रकार हर पौधे का एक बीज होता है, उसी प्रकार से हर दुख का भी एक बीज होता है। उस बीज को हम कारण कह सकते हैं। बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति असंभव है। बिना बीज के न तो कोई पौधा उगता है और न बिना कारण के दुख की उत्पत्ति ही होती है। दुख के बीज या कारण को पहचान कर ही हम उसे दूर करने का उपाय कर सकते हैं। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में भी किसी व्याधि की चिकित्सा करने के लिए रोग का समुचित निदान अनिवार्य है। रोग का सही कारण और व्याधि का सही स्वरूप जाने बिना उपचार करना हवा में तीर चलाने के समान ही है। पीड़ा चाहे शारीरिक हो अथवा मानसिक, उसके मूल को खोजना अनिवार्य है। अब कारण खोजने के पश्चात दुख का उपचार क्या है? महात्मा बुद्ध ने चार आर्य सत्य उद्घाटित किए। उन्होंने कहा कि दुख जीवन का एक अनिवार्य सत्य है। यह हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में आता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि दुख है तो उसका कारण भी अवश्य है। बिना कारण के कोई दुख हो ही नहीं सकता। फिर कहा कि दुख का उपचार भी है। अब दुख का उपचार क्या है? बुद्ध ने कहा कि सम्यक मार्ग ही वास्तविक उपचार है। यही बुद्ध का दर्शन है। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग ही उनका दर्शन व हर व्याधि का उपचार है। दुखों से मुक्ति के लिए इसका पालन अनिवार्य है। अब यह समय मार्ग क्या है? जीवन के हर क्षेत्र में हर प्रकार की अति से बचकर बीच का रास्ता अपनाना ही बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग अथवा सम्यक मार्ग है। 8:05 दोपहर के 3:48 अजय भाई, प्रेम का अर्थ नहीं उसके मर्म को जानो। इसी प्रकार धर्म के मर्म को समझो। दूसरे के हित में ही मेरा हित है, यह धर्म है। मैं केवल अपने हित के लिए प्रयास करूं और अन्य के हित को न देखूं, यह तो स्वार्थ है। भौतिक और अध्यात्म दृष्टि से जो कल्याण करे वह धर्म है। भक्ति है परमात्मा के प्रति प्रेम। परमात्मा से प्रेम का मतलब प्राणी मात्र से प्रेम। ज्ञान हो जाने के बाद भी मिथ्या का त्याग न करना बहुत बड़ी मूर्खता है।
एक ज्ञानी व्यक्ति और संसारी में यही फर्क है कि ज्ञानी मरते हुए भी हंसता है और संसारी जीते हुए मरता है। ज्ञान हमें हंसना नहीं सिखाता, बस रोने के कारणों को जीवन से मिटा देता है। इसी प्रकार अज्ञान रोने को मजबूर नहीं करता, बस हंसने के कारणों को डोब मिटा देता है। ज्ञानी हर स्थिति में इसलिए प्रसन्न रहता है कि वह इस बात को जानता है। रामराज्य यानी आपसी भाईचारा, परस्पर सद्भाव का वातावरण। मुझे दूसरे से क्या मिलेगा, ऐसा न सोचकर मैं किसी को क्या दूं, ऐसा विचार करें। वास्तव में रामराज्य लाना है तो इंसान इंसान के बीच सद्भावना, प्रेम का वातावरण निर्माण करना पड़ेगा। उसकी शुरुआत स्वयं से करनी होगी। आज हर व्यक्ति VIP बनने का प्रयास कर रहा है, हर जगह पूछ हो इसका प्रयास कर रहा है। इस चक्कर में यह भूल रहा है कि महत्व का बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा बनना और महत्व की बात है। इस बात को नजर के सामने रखकर मनुष्य अपने जीवन को संवारे तो वह आनंद से भर जाएगा। देखो, जीवन में शांति, आनंद और मस्ती का होना परमात्मा का होना है। जीवन में शांति की यात्रा आरंभ अगर प्रेम से होगा तो मंजिल जरूर मिलेगी। तब काम का स्थान प्रेम लेगा, क्रोध का स्थान करुणा लेगी और लोभ का स्थान उदारता लेगी। इतना ही नहीं, अगर इंसान दूसरे के लिए जीना सीख जाएगा तो फिर यह तय है कि उसे परमात्मा का कृपा प्रसाद मिलेगा। आज के भौतिक वातावरण में स्थिति यह है कि संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो रही है। पहले लोग सिनेमा देखने थिएटर में जाते थे, आज TV और DVD के कारण थिएटर उनके घर में है। हर घर थिएटर में परिवर्तित हो गया है। इसके चलते परिवार में हरेक व्यक्ति का आपसी संवाद घटा है। बाप बेटा पत्नी के पास बैठने का समय ही नहीं है। रही सही कसर स्मार्टफोन ने पूरी कर दी, हर व्यक्ति उसी पर नजर गड़ाए रहता है। जब किसी के घर जाते हैं तो बच्चे आकर पैर छूते हैं। हम पूछते हैं, बेटा आपका नाम क्या, वो नाम बताता है, पिता परिचय देते हैं, ये मेरा छोटा बेटा है। और फिर जब उसके पापा से पूछा कि ये छोटा कौन सी कक्षा में है, वो सर खुजाते हुए कहते हैं, शायद 4th में होना चाहिए, आज हमारी ये दशा हो गई है। पैसा कमाने की दौड़ में आज इंसान इस कदर फंस गया है कि उसका बालक कौन सी क्लास में पढ़ता है यह भी पता नहीं, पढ़ता है या नहीं वह भी उसे पता नहीं। प्रेम, परिवार और परमात्मा, ये 3 शब्द समझो और क्रम में रखकर परमात्मा को ढूंढोगे तो बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रेम के पाए पर अगर परिवार को खड़ा करोगे तो परमात्मा उस परिवार के मंदिर में स्वयं आएंगे। पर परिवार मंदिर बने कब, जब परिवार प्रेम के पाए पर खड़ा हो तब। प्रेम का अर्थ नहीं, मर्म जानो।